गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर एसएसटी क्लास। आज मैं आपको आपके द एग्जीक्यूटिव चैप्टर में अदर जो आपके एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके बारे में बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रेसिडेंट के बारे में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आई थिंक आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी कि प्रेसिडेंट कौन होते हैं, किस तरह से इलेक्ट किए जाते हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, उनकी पावर्स क्या होती हैं। आज हम अदर एग्जीक्यूटिव्स को जानेंगे कि वो क्या होते हैं। प्रेसिडेंट के बाद आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट को कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो एज अ प्रेसिडेंट ही वर्क करता है जब प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। प्रेसिडेंट की एब्सेंस में वो एज अ प्रेसिडेंट ही वर्क करता है। इसके अलावा जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है, क्योंकि राज्यसभा के जो मीटिंग्स होती हैं उनको हेल्ड करवाने का काम वाइस प्रेसिडेंट का ही होता है, उसे वहाँ पर चेयरमैन बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन मैंने आपको जिस तरह से प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन बताई थी, फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, सेकंड इज़ उसकी एज 35 इयर्स होनी चाहिए, थर्ड इज़ वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में या किसी भी लोकल बॉडी में वर्क ना करता हो, ठीक है। तो इस तरह की जैसी उसकी क्वालिफिकेशन होती है वैसी ही वाइस प्रेसिडेंट की भी होती है, और जो भी वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है उस पर भी वही क्वालिफिकेशंस वर्क करती हैं। इसके अलावा कुछ और भी डिस्क्रिप्शंस होते हैं वो भी वाइस प्रेसिडेंट पे फॉलो होते हैं। नेक्स्ट है इलेक्शन। अब जिस तरह से प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, मींस कि दोनों ही हाउसेस, कौन से हाउसेस बताए थे? लोकसभा एंड राज्यसभा, इन दोनों हाउसेस के मेंबर्स, वो मेंबर्स जो इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा कंसीडर किए जाते हैं, चूज़ किए जाते हैं, उन मेंबर्स के द्वारा वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है एज अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एंड बैलेट, सीक्रेट बैलेट इस तरह से। और ये वोट्स जो होते हैं वो मेंबर्स को वहीं जाकर यानी कि न्यू दिल्ली में जाकर कास्ट करने पड़ते हैं। तो इस तरह से वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उस तरह से होने के बाद उसे चूज़ कर लिया जाता है। नेक्स्ट है टेनर। टेनर यानी कि उसका जो कार्यकाल होता है, नॉर्मली जैसे प्रेसिडेंट का 5 इयर्स का होता है उसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट का भी 5 इयर्स का होता है। बाई चांस कि किसी भी समय वो रेजिग्नेशन दे देता है किसी भी वजह से, इम्प्रीचमेंट की वजह से या किसी भी वजह से, या जो राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनमें मेजॉरिटी में मेंबर्स उसके खिलाफ होते हैं तो भी उसे अपना रेजिग्नेशन देना पड़ता है। तो इस तरह से उसका 5 इयर्स से पहले ही उसका जो टेनर होता है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन नॉर्मली उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 5 इयर्स का होता है। नेक्स्ट हम आएंगे उसके पे एंड अलाउंसेस पे। तो जो वाइस प्रेसिडेंट की जो सैलरी होती है वो पर मंथ 1.25 लाख होती है। उसके अलावा जो भी उसको अलाउंसेस या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं वो प्लस में उसके होती हैं। इसके अलावा केवल अगर हम कहें, ये कहें कि वाइस प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट की ही सैलरी मिलती है तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो कैबिनेट चेयरमैन की तरह वर्क करता है, कहाँ के, राज्यसभा के चेयरमैन की तरह, तो उस तरह से उसको वहाँ की सैलरी मिलती है। तो ये तो हो गया वाइस प्रेसिडेंट की बात। अब हम आएंगे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर भी जो होते हैं वो भी एज अ एग्जीक्यूटिव ही वर्क करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं? जो भी इलेक्शन के बाद मेजॉरिटी पार्टी होती है, जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट्स होते हैं, उस मेजॉरिटी पार्टी के हेड को प्रेसिडेंट जो है वो इनवाइट करते हैं इस पोस्ट के लिए। और ये पोस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड की है ताकि प्रेसिडेंट को अपना वर्क करने में एडवाइस मिल सके, हेल्प मिल सके, ताकि वो अपना वर्क कर सके। क्योंकि प्रेसिडेंट के वर्क के लिए प्रेसिडेंट हर काम नहीं कर सकता है, वो किससे करवाता है? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ज़रिए। तो ये जो होती है ये पोस्ट, ये प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच की पोस्ट होती है और ये कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड कराई है, ठीक है। अब हम अगर मिनिस्टर के
टेन्योर की बात करें कि मिनिस्टर का जो टेन्योर होता है वो कितना होता है, तो उसका टेन्योर जो होता है वो भी 5 ईयर्स का होता है। उसके अलावा इस पर भी डिपेंड करता है कि वो उसको उसके पास कब तक कॉन्फिडेंस रहता है पार्लियामेंट का। जब तक उसके पास कॉन्फिडेंस रहता है तब तक तो वो वर्क करता है। जिस दिन वो कॉन्फिडेंस खो देता है, मतलब उसकी पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं उनको उस पर विश्वास नहीं रह जाता, या किसी भी तरह से वो मेंबर्स जो होते हैं वो छोड़ देते हैं उसे, तो उसके पास कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से वो उसका जो टाइम पीरियड है वो 5 साल से पहले ही कभी कभी ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा अब हम अगर प्राइम मिनिस्टर की पावर्स की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर की पावर्स क्या क्या होती है। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो एक तरह से प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच की कड़ी होता है, मतलब सारी कम्युनिकेशन जो बीच की होती है वो वही करवाता है। उसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो ही सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट भी करवाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, क्योंकि प्रेसिडेंट को तो पता नहीं होता है कि कौन कौन से मिनिस्टर्स हैं, उन्हें कहाँ पे अपॉइंट करना चाहिए। तो ये एडवाइस प्राइम मिनिस्टर देता है प्रेसिडेंट को कि इन्हें इस जगह पे, उन्हें उस जगह पे अपॉइंट किया जाए। इसके अलावा जो पोर्टफोलियोज़ होते हैं, इट मींस डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, वो भी मिनिस्टर्स को प्रोवाइड करवाने का काम प्राइम मिनिस्टर ही करता है। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो जो भी पार्टीज़ की जो मीटिंग्स होती हैं उनको भी हेड करवाता है, प्रेसिडाइज कराता है। और इसके अलावा जो मेन मेजॉरिटी पार्टी होती है उसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। तो यानी कि पावर्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत ज़्यादा होती हैं, और एक तरह से ये ब्रिज का काम करता है प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में। ठीक है, अब आएंगे हम अगर मिनिस्टर्स पे, तो मिनिस्टर्स भी जो होते हैं वो भी एक एज अ एग्जीक्यूटिव ही होते हैं, क्योंकि वो भी तो वर्क करते हैं, वो भी तो अपना काम ही करते हैं। तो मिनिस्टर्स जो होते हैं वो एक सिंगल बॉडी नहीं कहा जा सकता कि सिंगल बॉडी होते हैं, और उनको मिनिस्टर जो मेंबर्स होते हैं उन्हें मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मिनिस्टर नहीं होता है तो फिर उसे मिनिस्टर के अपॉइंट कर दिया जाता है, और उसके फिर काम के अकॉर्डिंग उसको पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं। उसके अलावा ये जो मेंबर्स होते हैं वो एज अ व्हील होते हैं और 3 पार्ट्स में होते हैं, जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, और डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं। तो एक व्हील है जिसके इनर पोर्शन में कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, फिर स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, और उसके बाद डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं। तो इस तरह से ये एक व्हील की तरह वर्क करते हैं। अब अगर हम प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की बात कर लें तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ये दो ही मेन हेड होते हैं। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो मेन हेड होता है, जो सारे काम करता और करवाता है। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉमिनल हेड होता है, और वो केवल प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर, उसके रिकमेंडेशन पर, उसके कहने के अनुसार ही वर्क करता है। किसी भी मिनिस्टर को उसके पोजीशन से हटाना है, या जो पार्लियामेंट है उसको डिसोल्यूशन करना है, उसका हर तरह का, मतलब किसी भी तरह का रिकमेंडेशन जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर ही करता है। तो मेन हेड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल हेड होता है। इसके अलावा जो भी बिल्स पास होते हैं, बिल यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट में कई तरह के बिल पास किए जाते हैं, मनी बिल होता है, अमेंडमेंट बिल होता है, और ऑर्डिनरी बिल होता है, इन तीनों बिल्स के पास होने के बाद वो जाते हैं प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए। क्यों? क्योंकि बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के कोई भी लॉ पास नहीं होता है। तो जब वो उसके पास जाते हैं तो वो इनके बारे में प्राइम मिनिस्टर से ही जानकारी लेता है, प्लस उन रूल्स को और उन सारे डिस्कशंस को पढ़ता है जो उस बिल में हुए होते हैं, और फिर उनको रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है। अगर रिकंसिडरेशन होकर वो वापस आता है तो फिर प्रेसिडेंट के पास कोई और रास्ता नहीं रहता, और वो उस पर साइन करने के लिए मजबूर हो जाता है। क्योंकि एक बार किसी भी बिल के पास हो जाने के बाद जब वो प्रेसिडेंट तक पहुंचा और फिर वापस प्रेसिडेंट ने उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेजा, तो उसके बाद फिर कोई और सोल्यूशन नहीं रह जाता है। फिर वापस वही अगर बिल प्रेसिडेंट के पास पहुंचा तो प्रेसिडेंट को उसको साइन करना ही पड़ता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूटिव आपको एक्सप्लेन किए। सबसे पहले प्रेसिडेंट जो मेन हेड होता है हमारे
कंट्री का। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, जो इसलिए अपॉइंट किया जाता है कि बाय चांस कभी भी अगर प्रेसिडेंट ना हो तो उसकी जगह कौन वर्क करे। इसके साथ साथ लोकसभा सॉरी राज्यसभा की जो मीटिंग्स होती हैं उनमें चेयरमैन का काम भी वाइस प्रेसिडेंट ही करता है। तो वाइस प्रेसिडेंट का के पास कुछ खास पावर्स नहीं होती हैं, बस पावर्स की क्या होती है एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गई। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी एग्जीक्यूटिव में ही आते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो मेन हेड होता है और वही सारे फंक्शंस करता है, मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, पोर्टफोलियोज देता है, उनको सारे इंस्ट्रक्शंस देता है, प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है, रिकमेंड करता है। तो सारा काम जो है वो मेन काम प्रेसिडेंट सॉरी प्राइम मिनिस्टर का होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। आई थिंक आपको सारा समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिएगा, कोई भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में, और लाइक ज़रूर करिएगा मेरे वीडियो को, और लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि मैं जब भी कोई आपके क्लास का वीडियो डालूं आपको मिलता रहे बिना मेरे लिंक नीचे, ठीक है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा सब्सक्राइब करने से, और लाइक ज़रूर करिएगा, प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। बाय बाय।